राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। जय श्री राम। आज हम आपको रामनगर के अनोखे सफर पर लेकर चल रहे हैं। मन को शांत रखिए, धीरज रखिए और इस सफर का आनंद लीजिए। अक्सर हम जब भी किसी सफर पे जाते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है एंजॉयमेंट या प्लेजर, लेकिन कुछ जगह और कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हमारे इमोशन से और सेंटिमेंट से कनेक्ट होते हैं। और अगर मैं रामनगर की बात करूं तो रामनगर का नाम सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? यही ना कि रामनगर में ऐसी जगह है जहां भगवान राम साक्षात स्वाभिमान से स्थापित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रुड़की शहर के रामनगर की। दोस्तों, आज सिटी ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में हम आपको रुड़की शहर के रामनगर का पूरा टूर कराने जा रहे हैं, जहां पर आपको नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज दोनों एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए, आप चलिए हमारे साथ और हम चलते हैं जॉय ई बाइक के साथ इस इको फ्रेंडली सफर पर और एक्सप्लोर करते हैं पूरा रामनगर। आज हम आपको रामनगर के अनोखे सफर पर लेकर चल रहे हैं। मन को शांत रखिए, धीरज रखिए और इस सफर का आनंद लीजिए। दोस्तों, हम रामद्वार से सीधा अंदर आए हैं तो थोड़ी ही दूर पर आपको यहाँ पर एक मंदिर मिलेगा जिसमें भगवान शिव विराजमान है, जिस वजह से इस जगह को शिव चौक भी कहते हैं। अब शिव चौक तो आपने देख लिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ से चार रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जहाँ से अभी हम आए हैं रामद्वार से, और एक रास्ता जा रहा है इस चौक के लेफ्ट साइड जो अंदर गली में जा रहा है, जो अंदर कॉलोनी है, और एक रास्ता जा रहा है राइट साइड में। यहाँ पर है भगवान राम का राम मंदिर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सीधा देखेंगे तो सीधा एक रोड जा रहा है जहाँ पर भगवान शनि जी भी विराजमान है। तो पहले हमने शिव जी के दर्शन कर लिए, अब आपको शनि देव के दर्शन कराते हैं, उसके बाद अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। शिव चौक से ये लेफ्ट साइड वाला रास्ता आपको सीधा पहुंचाता है राम मंदिर, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंतजार कीजिए और पहले चलते हैं शनि मंदिर के दर्शन करने, उसके बाद आपको सीधा ले चलेंगे राम मंदिर। भगवान शिव के दर्शन तो आपने कर लिए पीछे शिव चौक पर। अब हम शिव चौक से थोड़ा सा आगे आए हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शनि देव जी का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। आप जल्दी से अब भगवान शनि देव के दर्शन कीजिए, उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं रामनगर में जो राम मंदिर जहाँ पर भगवान राम स्थापित है, वहाँ के दर्शन आपको कराते हैं। तो आइए सफर कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं अगर घर से निकलते ही शनि देव के दर्शन हो जाएं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि शनि देव भी कर्मफल दाता है। अब आगे बढ़ते हैं और दोबारा शिव चौक से होते हुए सीधा राम मंदिर चलते हैं। राम जी आपके जीवन में प्रकाश लाएं, आपके जीवन को सुंदर बनाएं, त्याग कर अज्ञान का अंधकार, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं।
अब हम आपको ले आए हैं रामनगर के प्रसिद्ध राम मंदिर में। ये राम मंदिर यहाँ पर कई वर्षों से स्थापित है आस्था और विश्वास के साथ। शायद इसी वजह से राम मंदिर के यहाँ पर स्थापित होने की वजह से इस जगह को रामनगर भी कहते हैं। आप यहाँ पर आके राम जी की उपासना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने पूजा उपासना से भगवान राम को प्रसन्न कर सकते हैं। इस राम मंदिर में हर साल दशहरे के टाइम पर रामलीला का महोत्सव और उत्सव भी किया जाता है। इस राम मंदिर के जस्ट सामने आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रामलीला ग्राउंड भी दिखेगा, जहाँ पर ये रामलीला का आयोजन होता है और रावण दहन का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अब आपने राम मंदिर देख लिया, राम भगवान राम के दर्शन भी कर लिए, अब आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे दिखाते हैं इस सफर में आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं। आपको जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ और राम मंदिर के दर्शन आपने कर लिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रामनगर का ये सफर आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अब ले आए हैं हम आपको रामनगर के केशव पार्क पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको ये पार्क दिख रहा होगा, इस पार्क का नाम है केशव पार्क। और आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिसपे लिखा है कि साल 2001 और 2 में जब सांसद रहे श्री हरपाल सिंह साथी ने इस पार्क का सांसद निधि से निर्माण कराया था। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम रामनगर में आपको कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी दोनों एक साथ दिखाने वाले हैं। अभी पीछे हमने आपको रामनगर का राम मंदिर दिखाया, भगवान राम के दर्शन कराए, जिसमें आपको कल्चरल हेरिटेज देखने को मिला। अब केशव पार्क में आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो जैसा हमने कहा था आपको कि हम आपको कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी दोनों एक साथ दिखाएंगे, तो वो हमने आपको दिखा दी। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपको आगे सफर में क्या कुछ मिलने वाला है। इस रोड पर आपको बहुत से डेली नीड्स के स्टोर, गारमेंट शॉप्स, फास्ट फूड के स्टॉल्स, स्टेशनरी स्टोर्स और ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल भी मिलेगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हर अपराध का न्याय दो जगह होता है, पहला इंसान द्वारा बनाई गई अदालत में और दूसरा प्रकृति द्वारा बनाई गई अदालत में। अगर इंसानों की अदालत में न्याय नहीं मिलता है तो प्रकृति की अदालत में निश्चित ही न्याय मिलता है। तो दोस्तों, प्रकृति की अदालत तो आपने पीछे देख ही ली, अब आपको दिखाते हैं वो न्याय भवन जहां दोषियों को सजा और निर्दोषों को न्याय मिलता है। तो दोस्तों, ये है रुड़की का न्याय भवन। कहते हैं शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसीलिए यहां आपको शांति भी मिलेगी और न्याय भी मिलेगा, और अगर आप गलत हैं तो सजा भी आपको यही मिलेगी। अब आगे चलेंगे तो यहाँ आपको रास्ते में राजकीय मुद्रालय आवासीय कॉलोनी और राज्य कर विभाग भी देखने को मिलेगा।
है रामनगर का लेबर चौक। अगर आपको किसी काम के लिए लेबर्स की जरूरत है तो इस चौक पर आपको सुबह सुबह बहुत से लेबर्स मिल जाएंगे। यह है रुड़की का इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आपने सही सोचा, इस जगह आपको बहुत सी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और कंपनीज मिलेगी, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। अब हम आपको रामनगर का आखिरी हिस्सा दिखाने ले जा रहे हैं, तो जॉय ई बाइक के साथ इस इको फ्रेंडली राइड का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों, यही है रुड़की शहर का प्यारा सा हिस्सा रामनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको पूरा रामनगर घुमा के, पूरे रामनगर के दर्शन करा के ले आए हैं रामनगर के एंड पर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर आपको चंद्रशेखर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल देखने को मिलेगा। और आप उसी के जस्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कबानास का कैफे मिलेगा। और उसी के आप लास्ट में देखेंगे, रामनगर के एंड पे मेरे सामने आ गया है हाईवे, और हाईवे के उस पार आपको दिखेगा वैशाली मंडप, जो कि रुड़की का बहुत पुराना मंडप है। तो दोस्तों, हमने आपको आपके घर बैठे हुए पूरे रामनगर के दर्शन कराए, इको फ्रेंडली रामनगर का टूर कराया। और अब आप जब भी रामनगर आने की सोचेंगे तो आपके माइंड में ये फीड होगा कि रामनगर में कौन सी जगह कहाँ पर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे और लेकर चलेंगे आपको रुड़की शहर के किसी और सफर पर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें सिटी ऑन व्हील्स। जय हिंद, जय उत्तराखंड।